वेलकम टू एनबीसी हिंदी और मैं हूँ आपके साथ पूजा। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम करती हूँ हमारे फेवरेट प्रोग्राम एक्सप्लोर में। और आज मैं आप सभी को एक्सप्लोर करने के लिए लेके आ गई हूँ, यानी कि घुमाने फिराने के लिए लेके आ गई हूँ दिल्ली के वेस्ट ऑफ मंडप पार्क में। जी हाँ, दिल्ली का वेस्ट ऑफ मंडप पार्क हाल फिलहाल में ही बनाया गया है, जहाँ पे दुनिया भर के 7 वंडर्स को एक साथ दिखाया गया है। तो चलिए, देर किस बात की है, आपको दिखाते हैं यहाँ का खूबसूरत नजारा। वेस्ट ऑफ वंडर पार्क, आप देख सकते हैं कि वेस्ट ऑफ वंडर पार्क के मेन गेट पे ही दुनिया भर के 7 वंडर्स को एक साथ दिखाया गया है। तो बाहर से यदि इतना खूबसूरत लग रहा है, तो अंदर इसका नजारा कैसा होगा आप सोच सकते हैं कि नो डाउट बहुत ही सुंदर होगा। तो चलिए चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ ऐसा स्पेशल है, क्या कुछ ऐसा खास है जिस वजह से लोग यहाँ पे आ रहे हैं एक्सप्लोर करने के लिए। यदि आप कहीं घूमने फिरने का प्लान करते हैं, एक्सप्लोर करने का प्लान करते हैं, तो आपके मन में सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो यही आता है कि भाई टिकट के चार्जेस क्या है। तो मैं आपको बता दूं, वेस्ट ऑफ वंडर यदि आप आते हैं तो आपको बिल्कुल भी ज्यादा पैसा खर्चा नहीं करना पड़ेगा। बहुत कम पैसे में आप दुनिया भर की 7 वंडर्स को एक साथ देख सकते हैं। आपको मैं दिखा देती हूँ, यहाँ पे 3 इयर्स टू 12 इयर्स के लिए यहाँ की जो एंट्री फी रखी गई है वो है 25 रुपए, और 12 इयर्स टू 65 इयर्स के लिए यहाँ पे एंट्री फीस रखी गई है 50 रुपए। तो भाई टेंशन किस बात की है, पैसे तो आपको बिल्कुल खर्च नहीं करने। और सबसे खास बात यह है कि यदि आप 7 वंडर्स के रियल में कुछ प्लान करते हैं, रियल में आउट ऑफ इंडिया जाने का प्लान करते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा खर्चा करना पड़ता है। फ्लाइट्स की टिकट्स बुकिंग करानी पड़ती है, होटल्स का खर्चा आता है, रहने खाने पीने का बहुत सारे खर्चे आ जाते हैं जिस वजह से हम जा नहीं पाते। तो भाई दिल्ली में ही आप बहुत ही कम खर्चों में, बिल्कुल 50 रुपए में आप 7 वंडर्स एक साथ देख सकते हैं। तो देर किस बात की, आप फटाफट आइए यहाँ से टिकट लीजिए। दिल्ली में स्थित वेस्ट ऑफ वंडर्स पार्क्स में सबसे पहले मैं आप सबको रूबरू कराना चाहती हूँ भारत का ताज, यानी कि ताजमहल। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ताजमहल को कितनी खूबसूरती के साथ बनाया गया है। तो भाई आगरा जाने की क्या जरूरत है, यदि आप ताजमहल का दीदार करना चाहते हैं, अपने प्यार का इजहार करना चाहते हैं, तो एक बार आप दिल्ली के वेस्ट ऑफ वंडर्स में यहाँ आकर एक बार जरूर ताजमहल को देखिए। क्योंकि जब आप यहाँ आएंगे ना, तो आपको आगरा का ताजमहल याद बिल्कुल नहीं आएगा, क्योंकि हूबहू उसी की भांति इसे यहाँ पे बनाया गया है। और रात की खूबसूरती में ये नो डाउट बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है, लोग इसे बहुत ज्यादा यहाँ पे पसंद कर रहे हैं। लोगों का क्या कुछ कहना है इस ताजमहल को लेके, चलिए आपको सुनाते हैं। सबसे पहले तो हमारा ताजमहल जो कि हमारे वंडर्स में आता है, सो रेस्ट ऑफ द मॉन्यूमेंट्स आर आल्सो वेरी गुड। यहाँ पे काफी जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो ताजमहल है, बाकी सारी चीजें और भी अच्छी है। इसे फैमिली के लिए बहुत अच्छा है, लाइटिंग वगैरह है काफी अच्छी है, तो मतलब इवनिंग में आएंगे तो काफी अच्छा लगेगा। हर कोई चाहता है कि वो अपने प्यार का इजहार एक ऐसे जगह पे करे कि वो हमेशा यादगार हो जाए। यदि आपकी शादी होती है, आप हनीमून का प्लान करते हैं, तो आपके दिमाग में ही चलता है कि यदि हमें आउट ऑफ इंडिया टूर पे जाना है तो क्यों ना हम पेरिस चले जाएं।
अब पेरिस आप जाएंगे तो पेरिस के एफिल टावर में आप जरूर जाएंगे, क्योंकि पेरिस का एफिल टावर 7 वंडर्स में से एक है। ये इतना खूबसूरत है कि इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, और दिल्ली में इसका निर्माण किया गया है। तो भाई अब पेरिस जाने की क्या जरूरत, यदि आपको वीजा नहीं लग रहा है, किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, तो आप दिल्ली में बैठे बैठे पेरिस के एफिल टावर का मजा ले सकते हैं। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि दिल्ली के वेस्ट ऑफ वंडर्स में कितने खूबसूरती से पेरिस के एफिल टावर का निर्माण किया गया है। एफिल टावर आने के अच्छा लगा, पेरिस जाने की जरूरत नहीं है, दिल्ली देख लो एफिल टावर। पेरिस जैसे फीलिंग में भी आ रही है, हर कोई चाहता है कि शाम रंगीन हो, और रंगीन शाम के साथ यदि आप रंगीन सी खूबसूरत सी जगह में अपने पार्टनर के साथ है तो वो शाम और भी ज्यादा रंगीन हो जाती है। एफिल टावर एक ऐसी जगह है जहाँ पे शाम के वक्त बहुत ज्यादा भीड़ लगती है, लोग अपने पार्टनर्स के साथ आते हैं, प्यार का इजहार करते हैं और एक सेल्फी जरूर लेते हैं। यदि आप पेरिस नहीं जा पा रहे हैं किसी कारणवश, तो आप दिल्ली में वेस्ट ऑफ वंडर्स में आप जरूर आए, क्योंकि यहाँ पे पेरिस में एफिल टावर का निर्माण कराया गया है। आप देखिए कि कितना खूबसूरत लग रहा है, और लोग जब भी यहाँ पे विजिट करने आते हैं तो लोगों को यही लगता है कि भाई वाओ, इसका रेप्लिका इतना सुंदर है, तो सचमुच वाकई एफिल टावर कितना सुंदर होगा। बहुत बहुत खूबसूरत है, इसी की वजह से हम लोग यहाँ आए हैं। 7 वंडर में सबसे अच्छा मुझे एफिल टावर लगा, बहुत ही अच्छा है, लाइटिंग में बहुत मजा आ रहा है। कम से कम 10-15 ले लिया, अभी एंट्री की हमने। यदि आप अपनी छुट्टियों में कुछ प्लान करते हैं आउट ऑफ इंडिया जाने की, तो नो डाउट आप ये जरूर सोचते होंगे कि जितने भी वर्ल्ड के वंडर्स है उनको जरूर एक बार देख लिया जाए। पीसा का झुका मीनार जो कि वर्ल्ड फेमस है और 7 वंडर्स में से एक है, उसे भी यहाँ पे दिखाया गया है। देख सकते हैं कि पीसा का झुका मीनार यहाँ पे कितना खूबसूरत लग रहा है। और अब मैं आ खड़ी हुई हूँ इटली और रोम शहर के बीच में स्थित कॉलिजियम में। आप देख सकते हैं कि कॉलिजियम कितना सुंदर है, और इसकी जो चौड़ाई और लंबाई की बात करें तो ये बहुत ज्यादा, यानी कि ये इतने बड़े एरिया में समाया हुआ है कि इसमें 65,000 लोग एक साथ समा सकते हैं। शाम ढल चुकी है, शाम की रोशनी में, शाम की लाइटिंग में ये नो डाउट बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना ज्यादा भीड़ है, लगातार यहाँ पे विजिटर्स आ रहे हैं। और कॉलिजियम की बात करें तो कॉलिजियम में हर दिन हजारों की संख्या में लोग आते हैं, यहाँ पे विजिट करते हैं, और कहीं ना कहीं ये इतना अट्रैक्टिव है कि लोग यहाँ से जाना नहीं चाहते, फोटो सेशन करते हैं, क्योंकि 7वें अजूबे में से एक है तो फोटो सेशन तो बनता है, हर कोई आ रहा है, सेल्फी ले रहा है। और सबसे खास बात इसकी ये है कि इसकी जो बनावट की गई है वो एज इट इज कॉलेजियम की तरह ही की गई है, बस यहाँ पे स्पेस की कमी है, पर स्पेस की कमी के बावजूद भी ये एग्जैक्टली वैसा ही नजर आ रहा है जैसा यदि आप कॉलेजियम जाएंगे, और कॉलेजियम में यदि आप इसे विजिट करेंगे तो आपको सेम हूबहू ऐसा ही कॉलेजियम नजर आएगा। तो बताइए क्या बात है खास, क्योंकि वेस्ट मटेरियल से 7 वंडर्स को जिस तरह तरीके से दिल्ली में दिखाया गया है वो अपने आप में अजूबा है, और अजूबा ही दिखाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे दुनिया के 7 अजूबे को दिखाया जा रहा है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ रिडो रिडनी। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे ईसा मसीह की बहुत बड़ी मूर्ति स्थापित है, और इसे देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। और भीड़ पे एक बार आपको नजर दिखाना चाहूंगी कि यहाँ पे कितनी संख्या में लोग आए थे इसे देखने के लिए। शाम का वक्त है तो भीड़ बढ़ता ही जाता है, क्योंकि लाइटिंग में ये बहुत ज्यादा सुंदर नजर आ रहा है। आप देख सकते हैं कि लोग कितना इसको एंजॉय कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा, और बेस्ट बात था कि वेस्ट मटेरियल से बना है। अगर आप ध्यान से उसका जो हैंड है वो देखेंगे तो गियर से बना हुआ है, जो ऑटोमोबाइल और रिक्शा करके जो गियर है उनसे बना हुआ है, और जो उसके हेयर और बियर्ड का जो पोर्शन है वो स्प्रिंग से बना गया। तो सोच सकते हैं कितनी वेस्ट जो मटेरियल है कितने अच्छे से इधर लगाया गया, कितने अच्छे से बनाया गया, और काइंड ऑफ एग्जैक्ट रेप्लिका बनता, बहुत ही टॉल स्टैचू है, और उसको अगर हम देखने नहीं जा पाते वहाँ तक तो यहीं पर आके घूम सकते हैं।
और चलिए अब आपको मैं दिखाती हूँ न्यूयॉर्क शहर में स्थित स्टैचू ऑफ लिबर्टी की। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे यहाँ पे दिल्ली के वेस्ट वंडर्स पार्क में स्टैचू ऑफ लिबर्टी को भी बनाया गया है, जो बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। बहुत ही अच्छा फील कर रहे हैं यहाँ आकर। यहाँ सभी तरह के जो बनाए गए हैं, बच्चे बहुत खुश हैं आकर। और रात का एनवायरनमेंट है, लाइटिंग बहुत अच्छी है, विश मेटल यूज किए गए हैं, बहुत फैंटास्टिक। बहुत अच्छा लगा है यहाँ पे हमें आके, फर्स्ट टाइम आए हैं। और लिबर्टी स्टैचू भी अच्छा है काफी, और बाकी चीजों में भी जो मटेरियल यूज हुआ है काफी अच्छा है। अब मैं आपको दिखाती हूँ गीजा का महान पिरामिड। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये महान पिरामिड को किस तरीके से यहाँ पे स्थापित किया गया है। बिल्कुल आपको हूबहू वैसा ही नजर आएगा जैसा इसे मिस्र में स्थापित किया गया है। ये पिरामिड आज भी खड़ा है, इसकी ये खास बात है, और बहुत ही प्राचीन है। दिल्ली के वेस्ट ऑफ वंडर पार्क को इतनी खूबसूरत तरीके से बनाया गया है कि एक साथ आप दुनिया भर के सातों अजूबों को देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे कोलिजियम दिखाया गया है, जो कि बेहद ही खूबसूरत लग रहा है। कोलिजियम नो डाउट यहाँ पे बहुत सुंदर लग रहा है। कोलिजियम से जरा नजर हम जैसे हटाते हैं, वही हमें दिखता है आगरा में मौजूद ताजमहल। भाई ताजमहल को कौन नहीं जानता। भारत में यदि किसी खूबसूरत चीजों की पहचान होती है, जहाँ पे विजिटर्स बहुत ज्यादा जाते हैं, तो ताजमहल का नाम हमेशा सबसे पहले आता है। और आगरा का ताजमहल आप यहाँ पे देख सकते हो। और वैसे भी शाम ढल चुकी है, रात हो रहा है, तो रात की लाइटिंग के साथ ताजमहल जो है वो बेहद ही खूबसूरत नजर आ रहा है। ताजमहल वैसे भी लोग कहते हैं कि जब भी आप आगरा जाए ताजमहल देखे, तो शाम को एक बार जरूर जाए, क्योंकि शाम को ब्लैक ताजमहल के रूप में जो ताजमहल नजर आता है ना, वो बेहद ही खूबसूरत दिखता है। आप देख सकते हैं कि ताजमहल देखने के लिए कितनी ज्यादा लंबी लंबी कतारें लगी हुई है। लोग साथ में खड़े हुए हैं, फोटो सेशन करा रहे हैं, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आए हुए हैं, क्योंकि भाई यहाँ पे आप आए और फोटो शूट ना कराए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये इतना खूबसूरत नजर आता है कि लोग चाहते हैं कि इसे तस्वीरों में कैद कर ले। और वहीं यदि मैं ताजमहल से जस्ट हटके में बात करूं पेरिस में स्थित एफिल टावर की, तो आप देखिए कि एफिल टावर कितना खूबसूरत नजर आ रहा है। भाई एफिल टावर यदि आप एक साथ घर पे बैठ के आप देख रहे हैं, तो भैया आपको तो अब पासपोर्ट या वीजा की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एक साथ दिल्ली के वेस्ट ऑफ वंडर्स में आपको सात अजूबे नजर आ रहे हैं। एक साथ आप दुनिया भर के सातों अजूबों को देख रहे हैं, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अब आपको कहीं भी ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, ट्रैवल करने की जरूरत नहीं है, वर्ल्ड टूर पे जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडिया में ही आपको एक साथ सेवन वंडर्स नजर आएंगे। तो आपने देखा कि दिल्ली में स्थित वेस्ट ऑफ वंडर्स कितना खूबसूरत है। यहाँ पे बहुत लोग आ रहे हैं, लगातार यहाँ पे जो विजिटर्स की संख्या है वो बढ़ती जा रही है। रीजन ये है कि आप सिर्फ एक जगह में आकर आप सेवन वंडर्स को एक
साथ देख सकते हैं। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस आप दिल्ली के वेस्ट ऑफ वजह पार्क में आइए, सातों अजूबे का मजा लीजिए, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे अजूबों को दर्शाया गया है वो नो डाउट अपने आप में खूबसूरत है। और वैसे भी कहते हैं कि दुनिया भर के सातों जो अजूबे हैं वो अपने आप में बहुत खूबसूरत लगता है, चाहे वो ताजमहल हो, पिरामिड की बात करे या एफिल टावर की बात करें। और आप यदि एक साथ इन सातों अजूबों को देखते हैं तो भाई इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। तो आप वीकेंड में, छुट्टी में, हॉलीडेज में अपने फैमिली के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर आइए और इस पार्क का मजा लीजिए। कैमरा पर्सन राहुल के साथ मैं पूजा, NBC हिंदी, दिल्ली। NBC के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।